अध्यापक बनाए। जी जी हम सीधा विक्रम सिंह के पास रुख करेंगे। विक्रम सिंह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या अपडेट है? 100 बच्चों की बाध्यता पर क्या अपडेट है? ट्रांसफर पोस्टिंग और ये सब बातें अनुदेशक जानना चाहते हैं। काफी दिनों बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूं, 3-4 दिन 5 दिन हो गए लगातार आप भागदौड़ में लगे रहे इधर उधर। क्या है अपडेट? अब क्या तैयारी है? कोर्ट और कचहरी के चक्कर, उसी के ऊपर विश्वास, तो क्या विश्वास पर खरे उतर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ लगातार फैसला कर रहा है। आज ईडी के भी पर पूरे तरीके से कस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के पंख पूरी तरीके से कस दिए कि बिना हमारे पूछे किसी भी जांच में किसी की अरेस्टिंग नहीं कर सकते अगर वो कोर्ट आया हुआ है। कोर्ट से परमिशन लीजिए, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कीजिए। और उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये निर्णय जारी कर दिया कि बिना सरकारी वकील के पूछे आप किसी के खिलाफ भी 420-467 का केस नहीं लिख पाएंगे। धीरे धीरे सख्ती, धीरे धीरे प्रोग्राम टाइटिंग होना, तो कोर्ट के प्रति जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रति लोगों की आस्था विश्वास बढ़ता जा रहा है। आज के इस फैसले से पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ लोगों की आशा बढ़ी है। ऐसे में विक्रम सिंह आपका केस भी सर्वोच्च न्यायालय में है, क्या उम्मीद हाई कोर्ट में? क्या आपकी तारीख की डेट कुछ घटी बढ़ी जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है? और क्या ट्रांसफर पोस्टिंग और 100 बच्चों की बाध्यता पर कुछ बातचीत बढ़ी? विक्रम सिंह जी, सर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कल डेट लगी थी 125 नंबर पे, लेकिन लंच के बाद कोर्ट बैठ नहीं रही है और लंच के पहले 77-78 केस सुने जा पाए मात्र। लंच के बाद उम्मीद था कि हम लोग का केस सुना जाएगा, लेकिन आजकल समस्या एक आ रही है कि लंच के बाद क्यों कोर्ट बैठ नहीं रही है, इसीलिए कल सुनवाई नहीं हो पाई। हमें लग रहा है एक हफ्ता बाद फिर डेट मिलेगी और 125 से नीचे केस आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का केस नीचे आ रहा है। तो हम भरोसा कर रहे हैं कि अभी इस महीने में 2 डेट तो कम से कम लग ही जाएगी, क्योंकि 31 का महीना है और पूरा मई जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलेगा। तो हमें लग रहा है 2 डेट अभी मिलेगी और 2 डेट के अंदर हमें लग रहा है सुनवाई हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट कल के बाद बंद होने जा रहा है और सीधे अभी जुलाई में खुलेगा। और वहाँ एक समस्या है, अब हर चीज समस्या जो है उसको सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कही जा सकती है। जो अनुदेशक साथी हैं बहुत लोगों को जानकारी है इस बात की, और जिनको जानकारी नहीं है हो सकता है वो व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हों या जुड़ के भी अनजान हो, तो बहुत सारी बातें ओपन नहीं कही जा सकती है। वहाँ एक समस्या है, इसलिए वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि सुनवाई जब तक वो समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक वहाँ सुनवाई ना किया ना कराया जाए, ऐसा वहाँ प्लानिंग है। अब जैसे ही उस समस्या का समाधान होगा फिर वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रयास किया जाएगा। सर रही बात 100 बच्चों की, तो 100 बच्चों के नाम पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं पिछली बार जब महानिदेशक पिछली बार जब हमारी वार्ता महानिदेशक महोदया से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जिसको भी कहीं समस्या आ रही हो तो हमको सूचित करिएगा, हम उसका समाधान करवाएंगे। तो मैं अनुदेशक साथियों से कहना चाहूँगा कि जिसको भी जहाँ समस्या आ रही है 100 बच्चों के नाम पर, वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, हमसे बात करे, हमको एक लिखित दे और फिर मैं उनकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। जी सर, चलिए आज एक बड़ी खबर है अनुदेशकों को लेकर कि 100 बच्चों की बाध्यता पर अगर किसी को कोई समस्या है तो वो विक्रम सिंह से संपर्क करे। 100 बच्चों की बाध्यता पर जो विक्रम सिंह कह रहे हैं जिस हिसाब से, तो मुझे लगता है किसी का नौकरी नहीं जानी चाहिए। विक्रम सिंह, मैं सही कह रहा हूँ? इस बात को हमने महानिदेशक मैडम के समक्ष रखा था और जो अनुदेशक पटल देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी और राय साहब हैं, सबके समक्ष बातें रखी थी। तो उन्होंने कहा कहीं कोई ऐसी समस्या यदि आती है तो हम लोग को सूचित करिए, हम लोग उसका समाधान करवाएंगे। लेकिन जब तक आप समस्या को बताएंगे नहीं तब तक कैसे कोई समाधान होगा? तो कोई भी नवीनीकरण में किसी को भी कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो सूचित करें और एक एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित करें। होता क्या है,
हम आपके लिए आगे चले जाते हैं, उसके बाद आप बैकफुट पे चले जाते हैं, तो ऐसी बात ना हो, आप हमको सूचित करें, उस समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल। और आज काफी दिनों बाद हमारे दर्शक संतोष सिंह जी आज मैदान में आए हैं, तो संतोष सिंह जी को बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं प्रयासरत भी हूं कि गठबंधन के लोगों से भी बात हो, सरकार से भी बात हो। अगर दोनों से इस दौरान बात होती है तो निश्चित रूप से, हालांकि राहुल गांधी तक ये मैसेज आपका पहुंच गया है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भूख प्यास से परेशान है, अनुदेशक बेहाल है, और इस दोनों पर बातचीत होने का सकारात्मक रुख है, और इसके लिए उनके कुछ पैरामीटर हैं जिनको लेकर हम कल या परसों में विक्रम सिंह और शिवकुमार शुक्ला जी से बात कर लेंगे, और उसके बाद जितनी जल्दी आप पैरामीटर हमें अपडेट करके दे देंगे उसके बाद शिक्षा वित्त और निदेशकों की बैठक शायद संभव हो सके, और बैठक होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। सबका मन है कि राहुल गांधी ने खुला ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरी तरीके से संविदा का पद खत्म करेंगे, जो है उन्हें नियमित करेंगे, और जो है नए भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि इस देश में 40 लाख पद तो बिल्कुल तैयार है। जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आता हूं तो जुलाई में 40 लाख भर्तियां, 30 लाख तुरंत निकालूंगा, खटाखट सटासट पटापट हम मार्केट में चल रहा है, खटाखट खटाखट आज प्रधानमंत्री कह रहे थे 4 जून को विपक्ष भाग जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था, ये शिक्षा मित्र पवन कुमार हमारे साथ बैठे हैं, इनसे माँ गंगा के बेटे ने गंगा के किनारे पे वाराणसी में वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? चला गया खटाखट खटाखट खटाखट। आपने 1 करोड़ का वादा किया था रोजगार का, 2 करोड़ का, चला गया खटाखट खटाखट। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, चला गया खटाखट खटाखट खटाखट। क्या क्या बोलोगे आप, सब कुछ सटासट। सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को हम अहम बात बता दें जो बड़ी काम की है, कि इस बार लगातार सबकी शिकायतें, लगातार सब हमसे सवाल कर रहे थे कि 100 बच्चों की बाध्यता को लेकर सर कोई रास्ता निकालिए। मैंने इस सब पर बातचीत भी की, विक्रम सिंह की अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है, तो 100 बच्चों के चलते अगर किसी भी अनुदेशक का जॉब जा रहा है, किसी भी अनुदेशक की सेवा समाप्त हो रही है, तो वो निश्चित रूप से विक्रम सिंह को अवगत कराए, विक्रम सिंह के पास एप्लीकेशन भेजे, और एप्लीकेशन भेज के अपनी पूरी डिटेल दे। तो मैं चाहूंगा कि वो अनुदेशक अपना जॉब बरकरार रख सके, यही मुझे प्रसन्नता होगी कि कुछ ना सही तो 100 बच्चों की बाध्यता ही खत्म करा दी, जिसको लेकर पिछले 2 वर्ष में सभी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, और ये 100 बच्चों की बाध्यता अनुदेशकों के लिए बेहद राहत भरा कदम होगा। और ये पूरी जानकारी मैं फिर दोबारा आपसे एक वीडियो छोटा सा शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों तक विधिवत पहुंचे, आप सब समझें क्या करना है और क्या इसके परिणाम होंगे। अनुदेशक लगातार बैकफुट पर आता चला गया, 100 बच्चों की बाध्यता के चलते अगर उसका रोजगार बच जाएगा तो एक परिवार में रोशनी बनी रहेगी, जो 5-10 हजार 9 हजार रुपया मिल रहा है वो उसे मिलता रहेगा। और अनुदेशक काफी भयभीत है, कई अनुदेशक, एक अर्जुन सिंह हमारे दर्शक हैं परमानेंट, वो लगातार मुझसे कह रहे थे, महेंद्रपाल आपके यहाँ 100 की संख्या नहीं है, आप निश्चित विक्रम सिंह से संपर्क करें, नहीं हो तो मुझे बताएं, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, हम कोई रास्ता निकालेंगे, विक्रम सिंह से बातचीत कराएंगे, आपस में बातचीत करिए, रास्ता निकालिए, एक दूसरे के जिसके पास नंबर है, एक दूसरे अनुदेशक एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, सभी लोग ये जरूर शेयर करें, और ये वीडियो सभी अनुदेशक जरूर शेयर करें, ताकि सब समझ सकें कि कैसे बचेगी 100 बच्चों की बाध्यता से अनुदेशकों की जान। ये एक बड़ी बात है, सब लोग ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर किसी का 100 बच्चों की बाध्यता से उसकी नौकरी जा रही है तो बचने के लिए प्रयास पे लग जाइए, क्योंकि यही महीना है, रिन्यूअल हो गया, उसके बाद फिर 1 साल के लिए हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। और मेरे सभी 25,000 साथी जो बचे हैं, 25,500, अगर सभी हमारे साथ सुरक्षित अब इस वर्ष रह गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कुछ हद तक सफल हुई और आप सबको लाभ मिला। और इसी के साथ आप सबसे फिलहाल इसी सब अनुरोध के साथ विदा लूंगा कि 100 बच्चों की बाध्यता को लेकर इस वीडियो को शेयर करें, 100 बच्चों की बाध्यता को लेकर सबको जानकारी दें, किसी भी स्कूल में 100 बच्चों की बाध्यता से उसका जॉब नहीं जाएगा, वो विक्रम सिंह से संपर्क करें, विक्रम सिंह उस पर कोई रास्ता निकालेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और उसका जॉब बचाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर रहेंगे, अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात यूं ही करते रहेंगे, लगातार आप सबका सहयोग रहेगा तो निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ पवन कुमार जी, विक्रम सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी आभार।
आपका भी सर, आपका नमस्कार।